नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं फिर से आप सबके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप सबको गुड़ की खीर बनाना बतलाऊँगी। इसके लिए हमें चाहिए हैं गुड़, चावल, बासमती राइस है ये, इसे मैंने धो लिया है, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स, हरी इलायची, मैंने 3 हरी इलायची ले लिए हैं, और इसके पाउडर बना लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, जो घर में अवेलेबल हो इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी पानी की ज़रूरत होगी, थोड़ी सी गुड़ को पिघलाने की ज़रूरत होती है, और दूध। मैंने 1 लीटर दूध लिया है और उसे बॉयल होने चढ़ा दिया है। ये बॉयल हो चुकी है, इसमें धुली हुई चावल डाल देंगे। 1 लीटर दूध में 2 बड़े चम्मच चावल पड़ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 चम्मच चावल डालेंगे। ये जो खाने वाली चम्मच होती है, मैं इससे ही आपको अंदाज़ा बतला रही हूँ। बस मैंने इससे 2 बड़े चम्मच चावल लिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बड़े चम्मच डालेंगे, उससे ज़्यादा ना डालें, नहीं तो खीर अच्छी नहीं लगेगी। मैंने दूध में चावल डाल दिए हैं और इसे अब लगातार चलाते रहना है और चलाकर पकाते रहेंगे। गुड़ को एक बर्तन में डालेंगे। इस बर्तन में 1 चम्मच पानी डालेंगे। और अब इसमें 4 बड़े चम्मच गुड़ डाल देना है और इसे घुला लेना है गुड़ को, क्योंकि अक्सर गुड़ में कुछ ना कुछ मिल जाती है, तो पूजा वगैरह के लिए अच्छी नहीं होती है। इसे थोड़ा पिघला कर और तब इसे छान लेना है। गैस पर ही मैंने इसे थोड़ा सा चढ़ा दिया है। ये देखिए, बस 1 बड़े चम्मच पानी डालकर और इसे घुला लेंगे। ये घुल चुकी है, स्टोव को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा करके छान लूँगी। इसे इस तरह से चलाते रहेंगे और अच्छी तरह से पहले चावल को पका लेना है। मैंने देखा है कि ये गुड़ की खीर भारत के हर प्रांत में पूजा वगैरह के समय तैयार की जाती है। इसे बहुत शुद्ध माना जाता है, गुड़ से ये बनाई जाती है पूजा में। खासकर हमारे यहाँ छठ पर्व में खरना के दिन ये खीर ज़रूर तैयार की जाती है पूजा के वक्त, और यही उस दिन की मेन प्रसाद होती है। पिघले हुए गुड़ को छान लेंगे। ये खीर अब बिल्कुल तैयार हो गई है, चावल भी पक गई है, इसे निकाल कर चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे लेकर देख सकते हैं, अच्छी तरह से पक गई है। अब इसमें मैंने इलायची का पाउडर बना दिया है, वो खीर में डाल दूंगी। मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। ड्राई फ्रूट्स को मैंने छोटे पीसेस में काट लिए हैं, इसे थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालकर भून लेती हूँ। इसी पैन में 1 चम्मच घी डाल देंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स कटे हुए डाल देंगे। इसे बस थोड़ा सा भून लेती हूँ, अच्छी लगती है भूनी हुई डालने में। हो गई है, बस हल्की सी इसमें एक सौंधापन आ जाती है थोड़ी सी घी में भून देने से, जलाना नहीं है। ऐसा हो गई। अब इसमें भुनी हुई ड्राई फ्रूट्स डालकर मिक्स कर लेती हूँ, और अब मैं सूप को बंद कर दूँगी। और इसके बाद इसमें पकी हुई छानी हुई गुड़ डाल दूँगी, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि गुड़ डालने से खीर फट जाती है, तो इसके कारण अच्छा है कि गुड़ को एक बार बॉयल आने तक इसे पिघला कर
और तब इसमें डाल दें छानकर। ये देखिए कितनी अच्छी सी खीर बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से गुड़ की खीर तैयार की जाती है। खासकर हमारे यहाँ इसे छठ पूजा में तैयार की जाती है। केवल छठ पूजा में ही नहीं, मैंने देखा है पूरे भारतवर्ष में पूजा के मौके पर ये गुड़ की खीर तैयार की जाती है। ये बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में पूजा के अवसर पर। पता है दोस्तों, ये इतनी स्वादिष्ट कैसे हो जाती है प्रसाद के रूप में? क्योंकि जब हम प्रसाद बनाते हैं तो हमारी मन बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र होती है। कोई गंदी भावना नहीं आती है मन में। जब हम किसी भी खाना को शुद्ध और पवित्र मन से बनाते हैं, कोई गंदी भावना नहीं रहती हमारे मन में, तो वो खाना प्रसाद हो जाती है। क्यों ना हम हर दिन जब भी खाना बनाने अपनी रसोई में जाते हैं तो एकदम शुद्ध मन से खाना बनाएं। वो शुद्ध मन से बनी हुई खाना हमारे परिवार को हमेशा स्वस्थ रखती है और हर खाना प्रसाद हो जाती है। इसी अच्छे विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर से एक नई रेसिपी के साथ आप सबके साथ उपस्थित होंगी। इस तरह से गुड़ की खीर बना कर देखें और अपने कमेंट्स में ऐसा जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।